डियर स्टूडेंट, आज हम गैस डायनेमिक्स में न्यूमेरिकल करेंगे मैक एंगल के ऊपर। तो हमें यहाँ पे निकालना है मैक एंगल। जो क्वेश्चन है उसको पहले मैं रीड कर देता हूँ, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है, फाइंड द मैक एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू फ्री स्ट्रीम व्हेन द मैक नंबर इज 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे मैक नंबर की जो वैल्यू है 1 से लेके 5 तक दी हुई है, उसके हिसाब से हमें वैल्यू मैक एंगल की कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले डेटा गिवन में मैक नंबर इज गिवन 1, 2, 3, 4, 5। अब चूंकि हमें मैक एंगल निकालना है, तो मैक एंगल के लिए फार्मूला हमारे पास होता है फॉर ईच मैक नंबर। उसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला है, वो फार्मूला है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/m, या इसको लिख सकते हैं दूसरी भाषा में, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/m, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो जहां पे m जो है ये मैक नंबर है और अल्फा जो है ये मैक एंगल है। तो सबसे पहले पहले मैक नंबर के लिए करेंगे। तो जब मैक नंबर जो है इज इक्वल टू 1 है, उस केस में अल्फा की जो वैल्यू रहेगी, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/1 करेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी अल्फा की वो 90 डिग्री आएगी। इसको हम आंसर करके लिख देंगे, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब मैक नंबर जो है 2 है, तो उस केस में अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/2 करेंगे, तो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी वो 30 डिग्री निकल के आएगी। ये हमारा दूसरा आंसर। फिर तीसरा, जब मैक नंबर जो है 3 हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/3, तो यहाँ पे जो निकल के आएगी अल्फा की वैल्यू 19.4 डिग्री। ये तीसरा आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मैक नंबर 3। चौथा, जब मैक नंबर जो है इक्वल टू 4 होगा, तो अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/4, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो 14.48 डिग्री। ये अकॉर्डिंग टू चौथे मैक नंबर से है। पांचवा, जब मैक नंबर की वैल्यू 5 रहेगी, तब अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी 11.53 डिग्री। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैक नंबर बढ़ रहा है, पहले 1 था तो 90 डिग्री वैल्यू आई थी, जब 2 था तब उस केस में 30 डिग्री वैल्यू आई थी, और जब 3 था तब 19.45 डिग्री वैल्यू आई थी, और जब मैक नंबर 4 था तो 14.48 डिग्री वैल्यू आई थी, और जब मैक नंबर 5 था तो 11.5 डिग्री वैल्यू आई थी। मैक नंबर यदि बढ़ रहा है, तो मैक जो एंगल है उसकी जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है।